कलाकृतियां भारी कीमत पर बिक जाती हैं, तो कभी कलाकार का नाम सुनते ही उनकी कलाकृतियां बिना देखे ही बिक जाती हैं। अब ऐसी ही एक अजीब घटना इटली में घटी। दीवार पर टेप से चिपका हुआ एक केला $1.5 मिलियन यानी लगभग 12 करोड़ रुपए में बिका है। ये इटली के कलाकार मोरिजियो कैटेलिन की कलाकृति है। इसका नाम उन्होंने कॉमेडियन रखा है। 2019 में ये कलाकृति 85 लाख रुपए में बिकी थी और अब 2024 में इसकी कीमत लगभग 12 गुना बढ़ गई है। फिर से उसी तरह की कलाकृति रखी गई और इस बार 12 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। इस नीलामी की विजेता को केला, उस पर लगा टेप रोल और एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। बता दें कि मोरिजियो कैटेलिन पहले भी कई अजीबोगरीब और महंगी कलाकृतियां बना चुके हैं। उनमें से एक है सोने का टॉयलेट सीट। इसे उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उपहार में देकर चर्चा बटोरी थी। तो देखिए, ये है दीवार पर चिपका सेलोटेप से केला जो कि 12 करोड़ कीमत में बिका है। सोचिएगा जरा, ऐसे एक केला जिसको दीवार पर चिपकाया गया और 12 करोड़ की इसकी कीमत लगाई गई। एक केले की कीमत 12 करोड़ रुपए। और इस अनोखे आर्टवर्क को देखने के लिए यहां पर भारी तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए। लोगों की भीड़ भी जो है वो देखी गई और दीवार पर चिपका ये केला काफ़ी आकर्षण का केंद्र नजर आया और इसकी कीमत जो है वो सबको हैरान कर रही है कि 12 करोड़ रुपए की कीमत इसकी लगाई गई।